तो गोविंद साहूर मुख्य सहयोगी राधे को वर्तमान घटनास्थल को नेउछि पुलिस जहाँ चित्र आम सीधासलख आपण पाखे पहुँचाऊ सीन रिक्रिएशन करा घटनास्थल में पुलिस नहीं छानभिन कर प्रकृत में ममिता मेहर को क्यों माने एवं केंभली भावे हत्या पर सेठारे पोतिथिले कहा कहार सहयोग थिला पछरे एवं सबुठारु बड़ कथा हला जे केवल गोविंद साहू एवं ता सहयोगी माने एभली कार्य करथिले ना आउ कहार हाथ मध्य थिला सेमानक पाखुकु उपर निर्देश आसुथिला कि जेंभली भावे बारंबार अभियोग हेउछि जे मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्रक एथिरे संप्रुक्ति रही प्रत्यक्ष भाव संप्रुक्ति रही तेणु कैप्टेन मिश्रक संप्रुक्ति को नहीं वर्तमान पर्यंत जदिओ पुलिस तरफ तदंत से भावे आगे ना तदंत एपर्यंत पुलिस से ही आंगेल ने नहीं ना कि गोविंद साहूर सहयोगी राधे को वर्तमान घटनास्थल को नियाजाउछि सीन रिक्रिएशन करापर जमापड़े के उपाय सेठारे गोविंद साहू एवं सहयोगी राधे और अगर ममिता मेहर को हत्या करिबा परे अति नृशंस भाव सेठारे जाली मध्य देइथिले तमाम घटना पर परदा हटाइबा वर्तमान राधे को निया जाउछि घटनास्थल को जार चित्र में आपण पाखरे पहुँचाऊ एवं गोविंद साहू को मध्य घटनास्थल को निया जाय पारे किंतु केते बेले गोविंद साहू को सीन रिक्रिएशन निया जिवो से ने एपर्यंत कोनोसी स्पष्ट सूचना पुलिस तरफ आसी पारि नाही। तो ये घटना रे गोटिए परे गोटिए मामला सामना को आसुची आज दुई जन युवती को मध्य एने पुलिस पचराउचरा करुची सबळे जने छात्रक बयान मध्य सामना को आसी जे केमळी भावे महालिंग कॉलेज रे तमाम अनैतिक कार्यकलाप चालुथला झियंक प्रति टिके अधिक प्रायोरिटी देउथले महालिंग कॉलेज रा मालिक गोविंद साहू मार्क पई पचारुथले कोन करि परिबु अधिक मार्क पई सेने मध्य झियंक पचारुथले गोविंद साहू बोली जने छात्र निज प्रतिक्रिया देइछेंते एवं ता सहित मंत्री कैप्टेन मिश्रक संप्रुक्ति नहीं कैप्टेन मिश्र संध्या बेले सेठा को आसुथिले से निजे यहाँ केते थर देखी प्रकाश कर संप्रुक्त छात्र अंपटे विरोधी दल बीजेपी और कांग्रेस तरफ सारा राज्य में हल्लाबोल कर बीजेपी एने सीबीआई तदंत दावी करमारमणि दुर्गा प्रतिनिधि फोनलाइन अच्छा अधिक सूचना कुमारमणि कौन अपडेट आप बर्तमान समय देखो जिते डीआईजी आसे प्रथम बाइट देवा को मना करते पुणी आमर मीडिया को बाहर रखिकी से भितर को पड़िया भितर को जाइले सेठार एक घंटा काल तदंत कर साइंटिफिक सहित तदंत कलापर से पुणी सनसाइन्स पब्लिक स्कूल को आसी सनसाइन्स पब्लिक स्कूल में क्या छाड़ ना से भितर को जाकि वर्तमान पर्यंत से इनक्वारी तदंत कर अपूर्व कुमार मैंने जानवाक चाहूँ राधे को वर्तमान गिरफ्त कर लाटेस्ट अपडेट आसी पहुंचुचे एने किसी सूचना रही नहीं पुलिस कौन से मुह खोलु ना ये किंतु राधेर गोविंद सहित तो संपर्क कौन एने किसी सूचना आसूची स्थानीय लोकों ठारु ना स्थानीय लोक जेहेतु गोविंद पतिहार ये वृद्धि पाई तेणु स्थानीय लोक कहीं मुह खोलु ना अपूर्व सबड़ा आउ क्यों को मानकर संप्रुक्ति थवार अभियोग आसूची जेहेतु दुई जन युवती को कह जा पचराउचरा वर्तमान कर छात्र मुह खोलिले तो गोविंद अड़ुआ धीरे धीरे बढ़िवार लगुच कि आईन रड़ुआ जाल गोविंद धीरे धीरे पूरा कबलित होगा लगी पूरा फसबार लगी निश्चित भाव रे कहीं आम भी वर्तमान मुँह भी गोटे जगार अच्छी जे कि पूर्वतन कर्मचारी से मध्य वर्तमान मत कहते मो कैमेरा सामने कहते कि भाव में काढ़ी दि जाइला गोविंद साहू कि भाव में विताड़ित कर किसी समय पर आम प्रसारण करा से कहते कि से भी मना कर पूर्वतन कर्मचारी गाँव सस्टर से रोते से मना कर सहित आम साक्षात करूँ अपूर्व कुमारमणि अनेक दिग मध्य सामना को आसुच्छे किंतु एपर्यंत मंत्री को तदंत परिसरभुक्त करा जाए ना जिते बड़े कि पूर्व ममिता मेहर का बापा मध्य समान अभियोग आणुले आज जड़े छात्र मुह खोली ता सत्वे केउटना केउठे मंत्री को तदंतर परिसरभुक्त करा न जा पुलिस निरपेक्षता उपर प्रश्नवाची छिड़ा कर या एक पुलिस पुलिस रो प्रश्न पुलिस उपर प्रश्नवाची करछे कहीं पुलिस भी तांकर जेहेतु गृह राष्ट्र मंत्री से निजे तेणु ये खसईवा भी तांकर से निजे खसौंट निजे धरौंट निजे सब ही करती भाव अपूर्व तमाम राज्य में यह राजनैतिक झड़ देखा मिली अनेक सामाजिक संगठन बुद्धिजीवी महल प्रतिक्रिया प्रकाश पाई कि भाव जड़े स्कूल अध्यक्षा को अति निर्मम भाव हत्या करे मंत्री संप्रुक्ति सामना को आसूची गोविंद साहू जे कि मंत्री अत्यंत घनिष्ठ एवं संप्रुक्त स्कूल मालिक ताकू प्रथम पत्रपे पुलिस बाराक को निया जाए सेठ से खसी पलाऊ किसी दिन भितर पुणी धरा दौता पुणी ताज भौणी बाड़ीपटे आखु कि धरा जाऊँगी जदि जड़े एत पावरफुल
ପୋଲିସ ବାରାକ 12-15 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଏବଂ 50ରୁ ଅଧିକ ଯବାନଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ଖସି ପଳାଉଛି। ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଉଣୀ ବାରିପଟ ଆଖୁବାରେ ଲୁଚିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ କଥା। ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ବାପା ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାତି ଅଧରେ ଯାଉଥିଲେ, ରାତି ଅଧିଆ ବିଜେ ହେଉଥିଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତ କଲେଜରେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାନଯିବା ଏବଂ ନିଜ କଲେଜରେ ହିଁ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ଶବକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ପୋଲିସ ଏବଂ ଏନେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା, ତମାମ ଗୋଟେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମୁଭି ଠାରୁ କୌଣସି କମ୍ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ଗତକାଲି DIG ଦୀପକ କୁମାର ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଯୋଗୁଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ତାହେଲେ ପୋଲିସ DIG ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ କାହା ସହିତ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ଥିଲା। କେବଳ ମମିତା ମେହେର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ? ଯଦି ମମିତା ମେହେର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁକୁ, ତାହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲା ନାହିଁ? ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଘରୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଗଲା, ଘଟଣାକୁ 7-8 ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲା, ପ୍ରଥମରୁ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲାନି? ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ପୁଣି ଥରେ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣୁଛି।